हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रमित पटेल और आज मैं दो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पहला वेगस प्रो, दूसरा प्रीमियर प्रो। और ऐसा नहीं कि एक के बाद एक बात करने जा रहा हूँ, मैं दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में एक साथ बात करने जा रहा हूँ, दोनों का कंपैरिजन करूँगा। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी ये डिपेंड करता है कि ये आपको शायद सही लगे या ना लगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर एक, वेगस प्रो प्रीमियर प्रो कौन से कंपनीज के सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वेगस प्रो जो पहले सोनी कंपनी का हुआ करता था, अभी मैजिक्स कंपनी का है। प्रीमियर प्रो पहले भी और अभी भी एडोबी कंपनी का है। अभी दोनों में क्या अच्छाई है और क्या ड्रॉबैक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मैजिक्स वेगस प्रो का प्रीमियर प्रो से कंपेयर करें तो थोड़ा सिंपल है और उसे समझना आसान है। वो थोड़ा आप जल्दी समझ पाते हो एज कंपेयर टू प्रीमियर प्रो। अब बात करते हैं वर्कफ्लो के बारे में बात करें तो फिर वेगस प्रो का काम इजियर है प्रीमियर प्रो के काम से, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि एक स्प्लिटिंग। अगर आपको वीडियो स्प्लिट करना होगा तो आपको टाइमलाइन में एक वीडियो लेना होगा और फिर उस की फ्रेम पे आपको उस मार्कर को सेट करना होगा और फिर वेगस प्रो में एस की दबा के नहीं तो एक क्लिक के साथ वो स्प्लिट हो जाता है। पर प्रीमियर प्रो में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वही चीज़ प्रीमियर प्रो में करने जाओ तो पहले तो टाइमलाइन वीडियो लेना पड़ेगा, फिर रेजर टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो रेजर टूल सिलेक्ट करने के बाद एकदम टाइमलाइन में जूम करके फिर उसमें की फ्रेम सिलेक्ट करके फिर उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके स्प्लिट होता है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि वेगस प्रो में थोड़ा एडिटिंग का वर्क प्रीमियर प्रो से थोड़ा फास्ट होता है। और अभी बात करते हैं अगले चीज़ के बारे में, वो है की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स वेगस प्रो का प्रीमियर प्रो से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रीमियर प्रो थोड़ा सिंपल रखा है एज कम्पेयर टू वेगस प्रो। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। वेगस प्रो में बहुत सारे की फ्रेम के ऑप्शन हैं, जैसे कि लीनियर, होल्ड, शार्प, लीनियर, होल्ड, शार्प, स्लो, स्मूथ, फास्ट। जबकि प्रीमियर प्रो में ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो थोड़ा जल्दी मतलब आपका काम निपटा देता है की फ्रेम्स के मामले में। नेक्स्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन की बात करें तो मुझे वेगस प्रो का टाइमलाइन प्रीमियर प्रो से ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसके कुछ रीजंस है। अब रीज़न कुछ ये ऐसे है कि वेगस प्रो के टाइमलाइन में अगर आपने एक वीडियो फाइल लिया तो वीडियो उसके नीचे उसका ऑडियो उसके नीचे आता है, उसके अगर एक और लेयर बनाए आप तो वीडियो ऑडियो, आप समझ रहे हो। जबकि प्रीमियर प्रो में वीडियो ऑडियो, अगर ऐसे 10 लेयर होंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा कि वीडियो इधर ऑडियो इधर। तो मुझे ये चीज़ प्रीमियर प्रो में अच्छी नहीं लगी जो वेगस प्रो में अच्छी लगी। अब बात करते हैं एफएक्स के बारे में। एफएक्स प्रीमियर प्रो में वेगस प्रो से ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर मुझे कोई एफएक्स अप्लाई करना होगा बहुत सारे वीडियोस में एक साथ और वो भी उन एडजस्टमेंट्स के साथ जो मैंने खुद से की हो, कस्टम एडजस्टमेंट्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कंट्रोल सी दबा के उस एफएक्स पे कंट्रोल सी दबा के फिर बाद में वो वीडियोस को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल वी दबा के बहुत सारे वीडियोस पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जबकि वेगस प्रो में मुझे एक तो वीडियो इवेंट एफएक्स के थ्रू एफएक्स डालना पड़ेगा जिसमें खाली एक ही वीडियो में डलता है, या फिर ट्रैक एफएक्स जिसमें एक टाइमलाइन में बहुत सारे वीडियोस को एक बार में डलता है पर वो बाकी सारे लेयर्स के लिए काम नहीं करता, और वीडियो आउटपुट एफएक्स जो पूरे वीडियो के लिए करता है। पर ये तीन अलग ऑप्शन है, अभी वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तीन अलग एफएक्स ऑप्शंस के साथ या फिर वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले चीज़ के साथ। अब मैंने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक ये बताता हूँ। मैंने यूआई डिस्कस किया, की फ्रेम डिस्कस किया, टाइमलाइन डिस्कस किया
और इफेक्ट्स डिस्कस किया। अब बात करते हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में। कलर ग्रेडिंग की बात करें तो प्रीमियर प्रो इज बेटर देन वेगस प्रो, क्योंकि प्रीमियर प्रो में ज़्यादा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू वेगस प्रो। प्रीमियर प्रो में आपको वेगस प्रो से ज़्यादा ऑप्शन देखने मिलेंगे, जैसे कि एक्सपोजर सेटिंग्स, वो शायद से वेगस प्रो में नहीं है। और हाँ, यू टू सेचुरेशन वो प्रीमियर प्रो में थोड़ा इजीली एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू वेगस प्रो। अब वो वेगस प्रो में कर सकते हैं, पर उसके लिए अलग से कलर करेक्टर प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, मतलब ढूंढने में थोड़ा टाइम जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंडर सेटिंग्स के बारे में। अब जो रेंडरिंग सेटिंग्स है उसमें, मतलब प्रीमियर प्रो में बहुत टेम्पलेट्स थे, वेगस प्रो में बहुत टेम्पलेट्स में, पर वेगस प्रो में प्रीमियर प्रो से ज़्यादा टेम्पलेट्स है, और कह सकते हैं कि एक तरह से रेडीमेड है एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है रेंडरिंग सेटिंग्स चूज करने के लिए। अब रेंडर स्पीड किसका ज़्यादा फास्ट है, मैंने एक ही वीडियो दोनों सॉफ्टवेयर्स में डाल के देखा, वो है वेगस प्रो और प्रीमियर प्रो। तो दोनों में मुझे फ़र्क ये दिखा कि प्रीमियर प्रो में वेगस प्रो से ज़्यादा फास्ट रेंडर हो रहा था। अब ये मेरा ओपिनियन है दोनों सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, दोनों के अपनी अच्छाई है अपनी ही कमियाँ है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया, अगर इनकेस मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।